रतलाम शहर से कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमलता दवे ने अपना नामांकन दाखिल कराया। इस दौरान समर्थकों का भारी जनसमूह उनके साथ देखने को मिला। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा के 28 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने 230 विधानसभा सीटों का ऐलान कर दिया है। वहीं रतलाम शहर में प्रेमलता दवे को कांग्रेस ने भाजपा के चैतन्य कश्यप के सामने मैदान में उतारा है। प्रेमलता दवे अपने समर्थकों के साथ नामांकन जमा करने पहुंची। इस दौरान भारी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेमलता दवे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कांग्रेस आलाकमान को धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं चुनाव को जन बल से जीतने की बात कही। मुझे स्नेह और प्यार रतलाम की जनता जरूर देगी, जो कि उन्होंने विश्वास जताया है तो वो मुझे जरूर जीत दिलाएगी। बहरहाल भाजपा की बागी पूनम सोलंकी ने भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन फॉर्म जमा करवाया। साथ ही अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जनता किस उम्मीदवार पर अपने विश्वास की मोहर लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रतलाम।